ब्रिटेन के 9 शहर हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। वहीं ब्रिटेन में मस्जिदों की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही दंगाइयों पर काबू पाने के लिए पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं क्या है इस हिंसा की इनसाइड स्टोरी। ब्रिटेन के इतिहास का सबसे भयानक दंगा एक अफवाह उड़ी, 9 शहर धधकने लगे। ब्रिटेन में आगजनी और लूट से हाहाकार। क्या ब्रिटेन को फूंक देंगे कट्टरपंथी दंगाई? दुकानों में लूट, मकानों में तोड़फोड़, लाइब्रेरी में आगजनी, शराब स्टोर में डाका, सड़क पर पुलिस से संग्राम, दंगा डरावना, भयानक और भीषण, सन्न कर देने वाला खूनी संघर्ष, जान देने और लेने पर उतारू उपद्रवी, ईंट पत्थर से लैस नकाबपोश जैसे इन नकाबपोश डकैतों ने ब्रिटेन की बर्बादी का कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है। ब्रिटेन में जहां देखिए वहां तांडव मचा रखा है, खून खराबा हो रहा है, जिसे देखिए सब कुछ फूंक देने पर आमादा है। ये कोई एक शहर की बात नहीं, ब्रिटेन के 9 से ज्यादा शहर दंगे की आग में झुलस रहे हैं। दंगाई इस कदर बेकाबू हैं कि सुरक्षा बल भी उनके आगे टिक नहीं पा रहे हैं। ताज्जुब ये है कि दंगे की आग तेजी से भड़कती और फैलती ही जा रही है। ब्रिटेन के कितने शहर सुलग रहे हैं देखिए। लिवरपूल, हल, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर, ब्लैकपूल, बेलफास्ट, लंदन, नॉटिंघम और ब्लैकबर्न, सभी शहरों में हिंसा और आगजनी का दौर जारी है। प्रदर्शनकारियों के बीच दंगाइयों ने घुसपैठ कर रखी है। दंगाई बोतल से हमले कर रहे हैं, दुकानें लूट रहे हैं, पुलिस अफसरों पर हमले कर रहे हैं। जहां कुछ भी नहीं मिलता दंगाई, वहां आग लगाकर सब खाक में मिला रहे हैं। लिवरपूल में उपद्रव सारी हदें पार कर गया है, जहां दंगाई पुलिस वालों की जान लेने पर उतारू हैं। लिवरपूल में दंगाइयों ने शहर की नई स्पेलो हब लाइब्रेरी को आग में झोंक दिया। शनिवार रात को हिंसा का दौर सबसे भयावह शक्ल अख्तियार कर चुका था। ब्रिटेन के हल शहर से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां हल की सड़कों पर कारों और दुकानों को जलाते दंगाई देखे गए। दंगाइयों के निशान पर एशिया मूल के नागरिक खास तौर पर थे। हल में एशिया मूल के आदमी को उसकी कार में दौड़ाते और धमकाते दंगाई की तस्वीर वायरल हुई है, जिसमें उपद्रवियों ने गाड़ी के शीशे तोड़कर और फिर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। Criminal violence and disorder has no place on Britain's streets. We've been clear to the police that they have our full backing in taking the strongest possible action against perpetrators, including we're making sure that there are more prosecutors, there are sufficient prison places, and also that the courts stand ready, because anyone who engages in this kind of disorder needs to be clear that they will pay the price.